अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने व्हाट्सएप का कोई भी स्टेटस, जो भी आपको स्टेटस देखते हैं, उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए और बिना किसी वेबसाइट पर गए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो व्हाट्सएप यूजर के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए और बिना किसी वेबसाइट पर गए, आप कैसे अपने व्हाट्सएप में मौजूद किसी भी स्टेटस को, जो भी आप स्टेटस देखते हैं, जो आपके किसी दोस्त ने लगाया, किसी ने भी लगाया, अगर आप उसको देखते हैं तो कैसे आप उसको अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं, वो भी जस्ट दो स्टेप को फॉलो करके। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अली अहमद रजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली की वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो आप बहुत से ऐसे स्टेटस देखते होंगे व्हाट्सएप पर जो कि आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स लगाते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन आपके मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप नहीं होता जिसकी वजह से आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाते। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूं, उसके लिए आपको किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं और ना ही आपको किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने लगा हूं कि आपने एक या दो स्टेप फॉलो करके अपने स्टेटस को गैलरी में सेव कर लेना है। चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता है। चलते हैं दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन पर। तो हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप में उस स्टेटस को ओपन कर लेना है जिसको आप सेव करना चाहते हैं। ये देखिए, मैंने एक स्टेटस जो है ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इसको अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ऐप के। तो उसके लिए आपने दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि आपने फुल बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होगा फाइल मैनेजर का, तो यहाँ पे आपने टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे टैप करने के बाद अब आपने इंटरनल स्टोरेज में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपके सामने ये सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करते जाना है। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा व्हाट्सएप का, ठीक है। तो आपने उस फोल्डर में चले जाना है। तो यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल करना है, क्योंकि ये फोल्डर जो है ये काफ़ी नीचे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, ये देखिए आ चुका है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये देखें ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेटस डाउनलोड करना है, तो स्टेटस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखें हमारे सामने जो अभी हमने तीन स्टेटस देखे थे वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये वीडियो स्टेटस जो है वो ये मैं आपको गैलरी में सेव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरा नेट जो है वो स्लो था उस टाइम। तो ये देखें, ये हमारा स्टेटस जो है जो अभी हमने देखा था उधर, ये हमारा इधर फाइल मैनेजर में आ चुका है। लेकिन अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने गैलरी में सेव करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपल थोड़ा सा बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मूव का, तो यहाँ पे आपने मूव पे क्लिक करके थोड़ा सा बैक जाके आपने किसी भी फोल्डर में किसी भी जगह पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, मूव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे किसी भी एक फोल्डर में जो है ना इसको मूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि इसके नहीं, एंड्रॉयड के नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ भी देखें मैंने इसको मूव कर दिया, ये हमारा यहाँ पे मूव हो चुका है स्टेटस। अब मैं फुल बैक जाके आपको दिखाता हूँ कि ये गैलरी में आ चुका है या नहीं आ चुका। तो यहाँ पर देखें ये स्टेटस जो है हमारा गैलरी में आ चुका है। तो ये था बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका, जो कि शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता था। इस तरह आप इजी वे से अपना स्टेटस जो है, किसी का भी स्टेटस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के, बिना किसी वेबसाइट को यूज़ किए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और व्हाट्सएप के मजीद अमेजिंग फीचर्स देखने के लिए ये बहुत ही कमाल की वीडियो मैंने बनाई है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो इसको भी लाजमी देख लें। आज की वीडियो में इतना ही, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।